जब मन हो रेस्टोरेंट स्टाइल हाका नूडल्स खाने का तो इसे हम घर पर ही बना लेते हैं, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। और इसमें जो मैं नूडल्स यूज़ करूँगी उसे हम बॉईल नहीं करेंगे, बस हम उसे सोक करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज हम करने वाले हैं रिव्यू। ये चिंग्स के जस्ट सोक नूडल्स आए हैं नए, आज हम इसका रिव्यू भी करेंगे और हाका नूडल्स हम बनाएंगे भी। एक्चुअली नूडल्स को उबालने में सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, कई बार नूडल्स या तो कच्चे रह जाते हैं या फिर वो ओवर कुक हो जाते हैं। ये जो जस्ट सोक नूडल्स हैं इसमें हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको सिर्फ सोक करना है, हमें इसको बॉईल नहीं करना। उबलते हुए पानी में इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए सिर्फ सोक करना है। और इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ 30 रुपीज़, और वेट में ये है 140 ग्राम। और इसका ऑनलाइन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, मैंने इसे ऑनलाइन ही मंगवाया था। नूडल्स को चलिए सोक करते हैं, फिर हम हाका नूडल्स बनाते हैं। नूडल्स बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। सबसे पहले हम एक पतीले में 5 से 6 कप पानी को बॉईल होने के लिए रखेंगे। जब वो अच्छे से बॉईल होने लगे तब हम ये नूडल्स का पैकेट काट कर इसमें हम डाल देंगे। इसे हमें गैस ऑफ करके ही डालना है, गैस ऑन नहीं करना हमें। और इसे हम ढककर रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। इसमें ना तो हमें ऑयल डालना है ना हमें नमक डालना है, इसे बस हमें ऐसे ही सोक कर देना है। जब तक ये नूडल्स सोक हो रही हैं हम वेजिटेबल्स को काट लेते हैं। नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है लहसुन की कलियाँ 3-4, यानी कि गार्लिक, उसे बारीक बारीक काट लिया है बिल्कुल। फिर लेंगे हम एक शिमला मिर्च, उसे भी हम पतला और लंबा काट देंगे। एक लेंगे हम गाजर, उसे भी हम इसी तरीके से काटेंगे। सब्जियाँ आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। एक ले लिया मैंने प्याज, उसे भी मैंने ऐसे ही काट लिया है। फिर लेंगे हरी मिर्च और उसे भी हम पतला पतला काट लेंगे। नूडल्स में आप सब्जियां हमेशा लंबी और पतली ही काट के डालें, तभी वो टेस्टी लगती हैं। देखते हैं नूडल्स हमारी पकी हैं या नहीं। हाँ जी, ये देखिए नूडल्स पक गई हैं अच्छे से, ना ये ज़्यादा चिपकी हैं, स्टिक हुई हैं यानी कि ओवर कुक हुई हैं, और ना ही ये कच्ची हैं। एक स्ट्रेनर में हम इसे डाल देंगे और ऊपर से हम डाल देंगे एक बॉल ठंडा ठंडा पानी, ताकि ये बिल्कुल भी स्टिक ना हो। अब हम लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, और सबसे पहले डालेंगे इसमें हम गार्लिक, और फिर हम डालेंगे इसमें कटी हुई पतली हरी मिर्च, फिर डाल देंगे एक प्याज, शिमला मिर्च और गाजर। फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे, क्योंकि चाइनीज़ फूड हमेशा हाई फ्लेम पर बनाया जाता है, ताकि ये सब्जियों का क्रंच बना रहे। फिर इसमें हम डाल देंगे नूडल्स, और हम इसमें डालेंगे चाउमीन हाका नूडल्स मसाला। इसमें कोई भी हमें सॉस, नमक, मिर्च डालने की कुछ भी नीड नहीं है, हमें सिर्फ ये मसाला डालना है। इसके ऊपर थोड़ा सा डालना है पानी, ताकि मसाला अच्छे से नूडल्स के साथ मिक्स हो जाए। फिर हम लेंगे 2 फोर्क और उससे हम इस नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि ये नूडल्स टूटे ना, लंबी लंबी बने और खिली खिली बने। ये देखिए नूडल्स हमारी सर्व करने के लिए एकदम रेडी हैं, और ये कितनी अच्छी खिली खिली बनी हैं। इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट के बीच में ये नूडल्स बन जाती हैं, क्योंकि इसमें हमने ना तो कोई ज़्यादा सॉसेस डाली हैं, सिर्फ एक मसाला डाला है। आप घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो तो एज अ स्नैक भी इसे सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी रेडी हो जाता है। वैसे बाय द वे ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसे मैंने खुद ही ऑनलाइन परचेज किया है। चलिए आज मैं नूडल्स को टेस्ट करके आपको बताती हूँ। मैं इसे दूंगी 10 में से 7 या 8 मार्क्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी तो नहीं है, लेकिन कभी हमें जल्दी है लंच बॉक्स के लिए बनाने हैं तो हम इसे ज़रूर बना सकते हैं। ऐसे ही और रिव्यूज़ के लिए, वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।